शनिवार देर रात को आरएसएस के कार्यालय परिसर में पिन ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। यह ग्रेनेड भिंड के बजरिया स्थित आरएसएस कार्यालय के परिसर में मिला है। आधी रात के वक्त मुरैना से पहुंची बीडीएस की टीम ने स्पिन बम को अपनी सुरक्षा में ले लिया और मुरैना लेकर चली गई। लेकिन आरएसएस कार्यालय परिसर में बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम शनिवार की रात को हुआ। भिंड एसपी असित यादव ने बताया कि शनिवार की रात तकरीबन 10:15 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि बजरिया स्थित आरएसएस कार्यालय के परिसर में एक ग्रेनेड मिला है। सूचना मिलते ही एसपी असित यादव मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पिन ग्रेनेड मिला। मौके पर स्निफर डॉग को भी बुलाया गया। इसकी सूचना तुरंत मुरैना में बीडीएस टीम को दी गई। तकरीबन 12:30 बजे के बाद बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची। यहां बीडीएस की टीम ने ग्रेनेड को चेक किया, जिसके बाद ग्रेनेड को अपने साथ मुरैना ले गई। भिंड एसपी असित यादव ने बताया कि मुरैना में फायरिंग रेंज है और वहीं पर जाकर ग्रेनेड को डिफ्यूज किया जाएगा। ग्रेनेड आरएसएस कार्यालय परिसर में कहां से आया? इस सवाल के जवाब में भिंड एसपी असित यादव ने कहा कि जब आरएसएस कार्यालय बना था तब यहां मिट्टी की फिलिंग की गई थी और यह मिट्टी भिंड के डीडी इलाके से लाई गई थी। एसपी असित यादव ने बताया कि डीडी इलाके में फायरिंग रेंज हुआ करती थी और ऐसा लगता है कि यह ग्रेनेड डीडी से लाई गई मिट्टी के साथ यहीं आया होगा और यह ग्रेनेड बच्चों को खेलते वक्त आरएसएस के मैदान में मिल गया। ग्रेनेड के बारे में भिंड एसपी असित यादव ने कहा कि ग्रेनेड तकरीबन 30 साल से ज़्यादा पुराना है और जीर्ण शीर्ण हालत में मिला था। बीडीएस की टीम ग्रेनेड को अपने साथ ले गई है, जिसे आज सुबह मुरैना नूराबाद के ग्रेनेड रेंज से डिफ्यूज कर दिया गया है। देखिए, कल करीब 10:15 के आसपास मुझे सूचना मिली इस संबंध में, तो वहाँ पे मैं पहुँचा तुरंत। वहाँ पे थाना प्रभारी और हमारे सीएसपी साहब पहुँचे, तो वहाँ पे उस समय देखा कि एक ग्रेनेड की शेप का एक चीज़ दिखी हमें, तो उसको हमने वहाँ पे तुरंत ही जो बीडीडीएस की टीम है उसको बुलवाया। उस टीम ने उसका परीक्षण किया और पाया कि ये काफ़ी पुराना है, जंग लगा हुआ है, जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसकी जो ऊपर की परत है वो भी हटी हुई थी। तो उसके बाद जो बीडीडीएस की टीम है उसको अपने साथ ले गई और उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करी। थोड़ा सा और गहन छानबीन करने पे पता चला कि जो परिसर है वहाँ पे समतलीकरण के लिए मिट्टी पड़ी थी अभी 2-3 साल पहले। तो ये मिट्टी जो हमारा डीडी क्षेत्र है वहाँ से आई थी। जो डीडी में है, जैसे आपको पता है, पुरानी पुलिस की और बटालियन की जो फायरिंग रेंज रही है वहाँ पे, तो संभवतः जो इसी में कोई पुराना रह गया होगा तो वो चीज़ छेल आ गया था। अभी यहाँ पे संघ कार्यालय के जो सामने जो परिसर है वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनको एक गेंद रूपी चीज़ दिखाई दी, तो एक आधे वो खेलते रहे तो क्योंकि मिट्टी में था, फिर उसको धोआ तो बाद में दिखा। उसके बाद जैसे ही हम लोग को सूचना मिली है तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। सर, कितना पुराना हो सकता है, क्या इसकी डेंटिसिटी रही? देखिए, पुराना जैसे वो बता रहे हैं कि अभी पुराना 25-30 साल तो बता ही रहे, उससे ज़्यादा ही पुराना हो सकता है। सर, डिसीजन के लिए कहाँ भेजा गया है ये? अभी तो इसमें ये जो अपना हमारी ये बीडीएस टीम होती है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करती है। सर, किसने सबसे पहले इस बम को डिफ्यूज करने के लिए वहाँ से उठाया स्थान से? नहीं, वो तो बीडीडीएस की टीम आई, उसने ही प्रोटोकॉल के हिसाब से। सर, सूचनाकर्ता कौन रहा इसमें? ये सूचनाकर्ता, मुझे फोन आया था वहाँ पे कार्यालय से ही फोन आया था मुझे, तो उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया। सबसे पहले सर देखा किसने? मैं वहाँ पे ही एक जो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कार्यालय में ही एक व्यक्ति काम करता है, शिव नरेश, राममोहन पुत्र शिव नरेश, तो उसने सबसे पहले इसको देखा जो मिट्टी से ढका हुआ था, उसने धोआ इसको क्योंकि बच्चे तो इसको गेंद समझ के खेल रहे थे, और उसके बाद उसको डाउट हुआ तब उसने अपने वरिष्ठों को बताया। सर, संघ कार्यालय से किसी कोई बड़ा पदाधिकारी वहाँ मौजूद हो जिसने आपको सूचना की है और ये बड़ी? नहीं, आप बताए ना, हमारे पास वरिष्ठ लेवल से सूचना थी। सर, उस वक्त संघ कार्यालय में कोई पदाधिकारी था संघ का कोई बड़ा? नहीं, वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक भी थे और पदाधिकारी भी थे।